अभिषेक मलान अब पूजा भट्ट की स्ट्रैटेजी को अच्छे से जान गया है। कल भले ही जाकर थैंक यू कहता हुआ नजर आया हो, लेकिन जो उसके साथ हुआ है पूजा भट्ट ने जिस तरीके से इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश की अभिषेक को कि तुम जो है आलिया से दूर रहो, इस बात से अब अभिषेक काफी खफा भी है, क्योंकि वो जानता है कि ये घर में सब जानते हैं कि आलिया के साथ वो काफी क्लोज हो चुका है। लेकिन पूजा भट्ट ने कल बैठकर अभिषेक को ये बताया कि भाई तुम जिसके साथ बैठे हो, जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वो तुम्हें गाइड तो कर ही नहीं रहा, तुम्हें सही गलत तो बता ही नहीं रहा, तो ऐसे लोग सच्चे दोस्त कैसे हो सकते हैं? सच्चे दोस्त तो मेरी तरह होते हैं जो तुम्हें बताते हैं टास्क में कि देखो क्या गलत है क्या सही। तुम जो लड़कियों को लेकर बात करते हो, जैसे बोलते हो, वो सही नहीं दिखता, और तुम्हारे खुद के दोस्त तुम्हें ये बात कभी नहीं बताते। तो ऐसे में अब जो है सुबह सुबह अभिषेक काफी परेशान है। देखिए अभी भी लाइव फीड में वो आलिया से ही बात कर रहा है, हालांकि उसे सोचा था वो आलिया को ये बताएगा नहीं कि पूजा भट्ट ने उसके बारे में क्या क्या कहा है। लेकिन बाद में जब सुबह सुबह उसने जिया से बात की, और तो जिया ने कहा कि तुझे बताना चाहिए, तो उसे बोला नहीं यार, मैं अपने दिमाग में इतना लोड नहीं लेना चाहता, मैं नहीं बताऊंगा। पर अब मुझे लग रहा है अगर मैं सुनूं ऑडियो तो शायद वो वही बात जो है आलिया को मुझे लगता है कि वो गेम की बातें कर रहे हैं। पर पूजा भट्ट कह रही थी, तो अब अभिषेक ने जिया के साथ बैठकर ये तय किया है कि ये लोग पूजा भट्ट की बातों में नहीं आएंगे, और जिस तरीके से पहले गेम खेल रहे थे वही खेलेंगे। पूजा भट्ट भले ही ये बताने और दर्शाने की कोशिश करे कि वो सही है, वो बहुत अच्छा सोच रही है, लेकिन अब अभिषेक ने इस बात का मन बना लिया है कि वो पूजा की बातों में नहीं आने वाले।